हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि टॉप 18 प्लस हिडन फीचर्स जो कि MI A1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब आप लेफ्ट स्वाइप करते हो तो गूगल फीड का ये न्यूज आता है। कई सारे लोगों को ये पसंद नहीं होता, तो इसको बंद करने के लिए आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करिए होम स्क्रीन, और यहाँ पे शो गूगल ऐप को ऑफ कर दीजिए, बैक कर देना। जब बैक करोगे तो लेफ्ट साइड पे ख़त्म हो गया होगा। आपने देखा होगा आपके MI A1 फ़ोन के अंदर, आपने जब यहाँ पे स्क्रीन को यहाँ पे एक सेकंड ऑटो रोटेट मोड में कर लेते हैं, ऑटो रोटेट मोड करने के बाद जब आप फ़ोन कोई पर्टिकुलर चीज़ ओपन करते हो, ओपन करने के बाद इसको लैंडस्केप पे लेते हैं, ये हो गया लैंडस्केप में। अगर नॉर्मल में इसको बैक कर जाते हैं होम स्क्रीन पर, यहीं पे जस्ट ए मिनट, इसको मैंने लैंडस्केप पे लिया और यहीं पे मेन मेन मेनू पे चला गया, तो ये पोर्ट्रेट मोड में हो जाता है। तो ये भी जो मेनू भी आपको लैंडस्केप मोड होने के लिए आपके लॉन्ग प्रेस करिए, यहाँ पे एक बार लॉन्ग प्रेस करिए। लॉन्ग प्रेस करने के बाद होम सेटिंग में जाइए और यहाँ पे अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन पे क्लिक कर दीजिए, फिर बैक कर लेना। यहाँ पे बैक करने के बाद जब आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे मैंने यूट्यूब ओपन किया है, इसके अंदर आपको देखने को मिला कि लैंडस्केप मोड में, फिर यहीं से मेनू को क्लिक कर देंगे। जैसे मेनू क्लिक करेंगे, मेनू आपका लैंडस्केप मोड में हो जाएगा। हमारे MI A1 स्टॉक एंड्रॉइड होने के नाते इसके अंदर एक फीचर्स और देता है, जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर से अगर हम इसको नीचे स्वाइप करेंगे, ये देखिए फिंगरप्रिंट सेंसर से नीचे स्वाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसके इसके सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, बाद सिस्टम सिस्टम में जाएंगे, यहाँ पे गेस्चर गेस्चर में आप फिंगर यहाँ पे करिए फिंगरप्रिंट स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन, इसको ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका वर्क नहीं करेगा, अगर यहीं पे ऑन कर दीजिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वर्क करने लगा। MI A1 फोन में अगर आप यहाँ पे पावर बटन को, यहाँ पे पावर बटन है, इसको 2 बार क्लिक करते हो, तो 2 बार क्लिक करने पे आपका कैमरा ओपन हो जाता है। तो ये सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे सेटिंग में जाइए, फिर यहाँ पे सिस्टम गेस्चर, यहाँ पे जंप टू कैमरा, तो क्विक ओपन कैमरा, प्रेस द फिंगर पावर बटन टू इस वर्क फ्रॉम एनी स्क्रीन, किसी भी आप स्क्रीन पे हो, अगर डबल यहाँ इसी स्क्रीन के ऊपर अगर यहाँ पे 2 बार भी प्रेस कर दिए, आपको कैमरा लॉन्च हो जाएगा। हमारे MI A1 स्टॉक एंड्रॉइड होने के चलते यहाँ पे बैटरी पे परसेंटेज आता नहीं है, तो इसके लिए सेटिंग क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये जो सेटिंग के ऑप्शन को यहाँ प्रेस करके रखी है, थोड़ी देर प्रेस करके रखने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट चले जाना है सिस्टम में। सिस्टम में जाओगे, यहाँ पे सिस्टम UI ट्यूनर एक्टिव हो जाएगा 5 सेकंड करीब उसको प्रेस करके रखने से। इसको एक्टिव होने के बाद यहाँ स्टेटस बार पे जाइए, जाने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बैटरी का परसेंटेज नहीं है, तो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज पर ऑलवेज शो परसेंटेज पर क्लिक करिए और यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया। तो आप अगर चाहोगे तो बैटरी का आइकन भी यहाँ से टोटली उड़ा सकते हो, तो डोंट शो आइकन पे क्लिक करिए, तो यहाँ से आइकन भी हट गया, तो यहाँ पे आइकन तो रहना चाहिए, तो थोड़ा यहाँ पे सेट कर दिए। और साथ में आप अगर टाइम का चाहोगे तो टाइम का आप टाइम पे क्लिक करिए, इसी तरह हॉर्स मिनट एंड सेकेंड भी यहाँ पे शो करेगा तीनों चीज़। तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो इसको टाइम भी आप यहाँ से हटा सकते हो। एंड्रॉइड MI A1 फ़ोन के अंदर अगर आप चाहोगे तो इसके अंदर एक नया फीचर्स है जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, जो मल्टी टास्किंग के लिए। मैं अगर यहाँ पे इसका रिसेंट मेनू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी देखने को मिलता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई दो चीज़ यहाँ पे दोनों एक ही स्क्रीन पे आ जाए, तो इसको लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे लेके सेट करना है। जैसे सेट कर देंगे लॉन्ग प्रेस करके, तो एक पेज ऊपर हो गया, तो यहाँ पे वो प्ले होता रहेगा, और नीचे भी आप एक दूसरा एक सेटअप लेके
उसको उठा के यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इसी तरह आप मल्टी स्क्रीन यूज कर सकते हो। अगर आपको बाद में ख़त्म करना है तो उसको नीचे स्वाइप कर दीजिए, वो उठ जाएगा। एमआई वन के अंदर कैमरा का जो फंक्शन है, यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, आपको यहाँ पे डुअल कैमरा को वाटरमार्क के लिए, अगर आप चाहोगे वाटरमार्क लगाने के लिए इसको सेटअप कर सकते हो। आपके जब भी फोटो क्लिक करोगे तो उसके नीचे वाटरमार्क शो करेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टाइट शिफ्ट वाला ऑप्शन है, तो इसको आप क्लिक कर देते हो तो आपका बैकग्राउंड जो है वो ब्लॉर हो जाता है। आप सिंगल हैंडेड आप अपने ब्लॉर सेटअप कर सकते हो। कई बार होता है कोई चीज़ को सर्कल में लेता है और कोई ये पैरेलल में सेट करेंगे तो आपको बीच वाला लाइन छोड़ के दोनों तरफ ब्लॉर आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर्कल में सिर्फ इसी का मेन चीज ही आता है, बाकी आपको सिंगल हैंडेड ये यूज कर सकते हो। ये जो फोटो मैंने क्लिक किया आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस फोटो का, ये यहाँ से ब्लॉर हो रखा है। तो ये ना कमाल की फोटो। तो कैमरे के अंदर जब आप वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक मिलेगा टाइम लैप्स और एक मिलेगा स्लो मोशन। टाइम लैप्स के मतलब जैसे आप क्लिक करेंगे ये यहाँ पे जितना भी फोटो वीडियो वगैरह आप यहाँ से शूट करेंगे, शूट करने के बाद आपको ऑफ कर दीजिए, फिर इसको जाकर प्ले करिए। जैसे प्ले करेंगे देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं टाइम लैप्स। ये बहुत फास्ट चलता है, तो आपका मतलब एक घंटा का वीडियो को 5 सेकंड के सॉरी 5 मिनट के अंदर ख़त्म करेगा, तो इस टाइप का ये रनिंग करता है। तो एक दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर, ये है स्लो मोशन में। अगर स्लो मोशन आप ऑन करते हो कभी, इसका स्लो मोशन काफ़ी ज़बरदस्त है एमआई वन फ़ोन का। यहाँ पे स्लो मोशन में इतना बढ़िया बढ़िया फोटो वगैरह सेट कर सकते हैं आप इस कैमरे के थ्रू। यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्लो मोशन का ऑप्शन जो है यहाँ पे खुल जाता है। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दिया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जेन्युइन स्लो मोशन है। इसका जो स्लो मोशन है, आप एमआई वन का स्लो मोशन किसी भी आईफोन को टक्कर दे सकता है, काफी बढ़िया है इसका स्लो मोशन है। वही अगर बात करें कैमरा के अंदर यहाँ पे ऑप्शन देता है पोर्ट्रेट मोड का, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ ब्लू कलर हो जाएगा, तो आपका पोर्ट्रेट मोड हो गया। कोई भी फोटो क्लिक करते हो तो यहाँ डेप्थ इफेक्ट इक्वेट में, तो यहाँ पे इसको अर्धिकृत ब्लॉर कर देता है। अभी थोड़ा लाइटिंग का दिक्कत है तो इसलिए चारों ब्लॉर आ गया। यहाँ पे देखिए जो मैंने लगाया था वाटरमार्क शूट ऑन एमआई डुअल कैमरा। एमआई वन फोन के कैमरे के अंदर आपको मैनुअल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप एक्सपोजर और वाइट बैलेंस फोकस वगैरह सेटअप करके, आप कैमरा का लेंस भी सेटअप करके बहुत बढ़िया फोटो टेलीपैथिक ले सकते हो। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स इसके अंदर फिट किया गया है, ये कैमरे के लिए सबसे बेस्ट है। और एमआई वन फोन के अंदर जो कैमरा का ग्रुप सेल्फी, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3-4 लोग 5 लोग का सबका इकट्ठा ये ग्रुप सेल्फी ले लेगा। तो आप इस तरह आप अपने सेल्फी जो कैमरे के जिंदर सेल्फी है उसको आप सेटअप कर सकते हो ना होगा। जैसे आप सेटिंग में जाते हो तो यहाँ पे डेवलपेशन ऑन करने के बाद आपका काफ़ी फीचर्स चेंज हो जाता है आपके अंदर, आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारा फीचर्स ऐड हो जाता है। तो यह सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे डेवलपेशन ऑलरेडी ऑन है। अगर आपका नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैक करिए सिस्टम में जाके, यहाँ पे आप जाना है अबाउट फ़ोन के अंदर और बुलेट नंबर को 7 टाइम टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7 जब करेंगे तो ऑटोमेटिक लिख देगा कि यू आर ऑलरेडी डेवलपर, एक डेवलपर। तो आप यहाँ पे बैक करके यहाँ पे चले जाइए डेवलपर ऑप्शन, यहाँ डेवलपर ऑन है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बहुत सारा फैसिलिटीज के अंदर आपको मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक यूएसबी डबिंग, कभी अगर आपने यूएसबी मोड में कुछ वर्किंग किया तो इसको ऑन कर ले दीजिए, वो काफ़ी बढ़िया रहता है। तो और आगे चल के हम देखेंगे यहाँ पे ऑलवेज वाईफाई रूम स्कैन्स और यहाँ पे एग्रेसिव वाईफाई टू मोबाइल हैंडओवर, यानी कि अगर इसको ऑन कर देते हैं आप अगर कभी वाईफाई पे जाते हैं वहाँ पे भी वाईफाई रहेगा ऑटोमेटिक, जैसे वाईफाई ख़त्म होगा ऑटोमेटिक आपका नेट ऑन हो जाएगा।
तो कई बार होता है हमें अगर कोई डाटा डाउनलोड पर लगा है तो हम वहाँ से निकल आए तो वाईफाई से हट के वो डाटा फिर वहीं से कट हो जाता है। अगर वो मोबाइल डाटा ऑन नहीं होगा उस टाइम तो ऑटोमेटिक वो कट हो जाएगा। तो इसको ऑन करने से जैसे वाईफाई ख़त्म हो तो ऑटोमेटिक मोबाइल डाटा ऑन हो जाएगा। डेवलपर वर्जन के अंदर बहुत सारा फैसिलिटी दे रखा है। इसके अंदर अगर आप देखोगे जैसे कि डिजेबल अबाउट वॉल्यूम, यहाँ पे अगर डिजेबल अपसॉल्ट वॉल्यूम को इसको एनेबल कर देंगे, इसको ये जब भी आप कभी अगर अपने ईयरफोन ईयर पीस लगाएंगे इसके अंदर ऑटोमेटिक एक वॉइस जनरेट होगा, या कोई चार्जर लगाएंगे तो एक वॉइस जनरेट होगा, तो क्या आपको पता चलेगा ये कनेक्टेड है। आप फ़ोन के अंदर कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हो उसके लिए आपको एक बार इनपुट पे शो टैब पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपके एक है ना यहाँ पे एक आपको पॉइंटर शो हो जाएगा, जैसे आप किसी भी चीज़ के ऊपर हाथ लेके लगाएंगे तो ऑटोमेटिक एक पॉइंटर चलता रहेगा। ये काफ़ी बढ़िया है फीचर्स है। एमआई वन फ़ोन के अंदर आप अगर नोटिफिकेशन पैनल में जाते हो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे सेटअप है। अगर इसके अंदर कुछ एक्सचेंज करना हो, ये पेंसिल मार्क को चिक करके आप इसको कम्वर्टी कर सकते हो। जैसे ये ज़्यादा हो गया है या तो मुझे यहाँ पे ये सेटअप रखना नहीं है तो इसको रिमूव करके हटा सकते हो, यहाँ से आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर आप अगर चाहोगे तो वापस इसको यहाँ पे रख सकते हो। डेवलपर ऑप्शन के अंदर एक सेटअप है, अगर आपका जैसे कई बार होता है ना लेफ्ट राइट हैंडेड होते हैं तो उसके लिए आप फैसिलिटी रहता है, अगर कोई लेफ्टिक है या कोई राइट है तो वो आसानी से यूज़ कर सकता है। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद अगर आप चाहोगे तो राइट हैंड में यूज करने के लिए ये वाला जो मेनू है वो राइट हैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फोर्स राइट आरटीएल लेआउट डायरेक्शन, तो इसको क्लिक करते ही ऑटोमेटिक आपका ये पोजीशन में राइट हैंड पे पोजीशन पे आ जाएगा। तो आप ये सेटअप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर अगर आपका जो ये जितने सारे लुक दिख रहा है स्मॉलेस्ट विच को 420 dpi में दे रखा हो, आप चाहोगे तो इसमें यहीं से बढ़ाकर तो घटा सकते हो। हम MIUI वन फ़ोन के अंदर एक फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाने के बाद एडवांस में फ़ॉन्ट को, फ़ॉन्ट साइज डिफ़ॉल्ट में है इसको स्मॉल कर सकते हो, और डिफ़ॉल्ट लार्ज एंड लार्जेस्ट तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में फिलहाल रख सकते हो। और इसी तरह आप डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले साइज़ को आपने वहाँ पे देख लिए 411 हो रखा है, आप इसको बैक करके छोटा भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो। हम अपने MIUI वन फ़ोन के अंदर थीम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग जाना है, तो यहाँ पे जाके सेटिंग पे जाने के बाद एक बार डिस्प्ले को एडवांस जाने के बाद यहाँ पे डेविस थीम ऑप्शन दे रखा है, इसको क्लिक करके मैं अगर एक ब्लैक थीम कर दिया और साथ में अगर चाहूँगा दूसरा वाला करूँ, इसका नाम है सिस ओरियो थीम और रोज का, ये भी आप सेटअप कर सकते हो। ये डेडिकेटेड वीडियो में बना रखा हूँ मैं, उसको इसका एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते। MIUI वन के रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, मैं इसके कार्ड में इसको दे दूंगा अपना प्लेलिस्ट MIUI वन का, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी रखा हुआ है वीडियो के थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये था कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स, कोई आपको इसके अलावा और कुछ इसके अंदर कोई मेजर टिप्स नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी इस टाइप का वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।